ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ये बेसिक हम लोगों ने दिखाया कि चलो ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन करना है तो कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अभी लाइक हम लोग अभी टेक्सटिंग अभी कर नहीं रहे फिलहाल में, पहले हम लोग क्या करते हैं सीडर पर थोड़ा सा काम करें। तो सीडर कौन सा सीडर कैसे लेंगे और किस टाइप से लेंगे, ठीक है, लुक एंड फील कैसा दे सकते हैं, बाई डिफॉल्ट जो चीज़ें हैं हमारे पास वहाँ पर उन चीज़ों को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर किसको क्या इम्पैक्ट देना है वो चीज़ मैं बाई डिफ़ॉल्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मेरे पास कैमरा है, दो व्यू में गए, ठीक है, ये मेरे पास सीन है। अभी सीन को मैंने परस्पेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कैमरा, ठीक है, ये कैमरा है, यहाँ पर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं सेट किया। अभी यहाँ पर क्या काम करता हूँ, क्रिएट पे गया, क्रिएट पे मैंने यहाँ पर क्या किया लाइट लगाया, लाइट यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, लाइट यहाँ पर कुछ चीज़ों को बहुत बेटर में दिखाएगा। अगर मैं आर्नोल्ड पर लाइटिंग करूँ तो मैं आर्नोल्ड के यहाँ पर लाइट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पर आपको क्या लेना है, एरिया लाइट लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, आर फॉर स्केल, स्केल कर दिया, यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस कर दिया, पीछे की तरफ यहाँ पर ले गए। ठीक है, एंगल देना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, ये आप लाइट के आइज के थ्रू भी देख सकते हो, इस एंगल पे देना है, स्पेशल एंड परस्पेक्टिव व्यू। ठीक है, आर प्रेस कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्रॉस चेक करके, यहाँ पर लाइट का कुछ इम्पैक्ट आ गया है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो हमने मॉडल जो बनाया था, इस मॉडल को जो टर्न का पार्ट है वो टर्न वाला पार्ट देखिएगा, जैसे देखा यहाँ पर, यहाँ पे जो लाइट है, लाइट का इम्पैक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा देखूँगा तो मुझे किस टाइप से चीज़ को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैंने कर दिया 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा यहाँ पे, ये पीछे वाला डोम को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आइडिया मिले कि हमारे पास लाइट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। एक बेसिक इम्पैक्ट मैंने आपको दिखाया, अभी यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर डोम हम लोग डिलीट करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि भाई लाइटिंग का पार्ट क्या है। सेलेक्ट किया यहाँ पे, एक्सपोजर पे गए, एक्सपोजर का मैंने कर दिया 3, 4, एक ही करके आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, कि कैसे आपकी चीज़ यहाँ पर विजुअल है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो लाइट है, लाइट का डिस्टेंस भी मेंटेन करता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी को मैंने कर दिया 10। ठीक है, ये क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए दिखनी चाहिए, अभी इस वर्किंग और नॉट, यहाँ पे कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है, लाइट है, लाइट हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 करके देखा यहाँ पे, शायद कुछ काम कर जाए। एक बार पैनल लुक तो सिलेक्टेड, एक बार पास आके भी देखता हूँ भाई ऐसा भी कुछ है कि इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइट को ऐसा रखा, कहीं मेरे कैमरे के आगे तो नहीं आ रहा, कई बार लाइट कैमरे के आगे आ जाता तो भी यहाँ पे अभी ये दिखना है, अभी दिखना स्टार्ट हुआ, एक एंगल जो हमने दिया उसमें मुझे रेंडर भी दिखना स्टार्ट हुआ। तो लाइट का डिस्टेंस भी आपको समझना है, लाइट दूर पे होगा तो लाइट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तो साइड मिल गया कि चलो हम लोग यहाँ पे लाइटिंग कैसे करने वाले हैं, तो एक एंगल एक साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में गए, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मेक श्योर आप लोग पहले क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट आपको लाइट जो करनी है उसे हम लोग बोलते हैं, लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अगर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तो 3 पॉइंट लाइटिंग मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लाइट आ गया, लाइट की इंटेंसिटी मैं और बढ़ाता हूँ, या तो मैं एक्सपोजर में कर देता हूँ लाइक 15 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं कैसे इम्पैक्ट आएगा, देखो लाइट का इम्पैक्ट अब देखना है यहाँ पे, लाइट का इम्पैक्ट आपको अपना विजुअल होगा, अभी बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो ये आपको क्रॉस चेक करना है, पहले बिल्कुल डार्क आ रहा था, अभी यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं कि भाई मुझे मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मैंने क्या किया, 15 है, 15 को मैंने कर दिया इस अराउंड लाइक 14 या 13 कर रहा हूँ, एक्सपोजर के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी एक एंगल डिफाइन हो रहा है, एंगल डिफाइन हो रहा है किधर से लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट के साथ देखो यहाँ पे एक लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, इधर लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट का ये एंगल आ रहा है, जो हमने शॉट बनाया उसका ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क हो तो विजुअल होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया 14 कर दिया, 14 पे काम करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, जो मैंने नंबर डाले वो एग्जैक्ट हर जगह मैच नहीं करेगा, हो सकता है आपके सीन में कहीं कम कहीं पे ज़्यादा हो, तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने जस्ट प्ले करके दिखाया। दूसरी बात, ये हमने काम किया, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, चीज़ों को तो समय मैनेज करने वाला हूँ। एक मैंने लाइट इधर लगाया, ये मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, अभी मैं अभी क्या करता हूँ कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। ठीक है, इस वाली लाइट का नाम दो यहाँ पे की। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लाइट लिया पैनल एंड लुक थ्रू सेलेक्टेड, मैं इसकी आंखों से देखना चाहता हूँ, तो ऐसे मैंने देख लिया इसके थ्रू, ये देखो देखा यहाँ पे,
आप चाहो तो मैनुअल करना चाहे मैनुअल कर दो। यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, फिल ये कम होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे कितना 10 है, तो मैं 6 करके 5 करके आसपास देख सकता हूँ यहाँ पे भाई कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्रॉस चेक करने के लिए सेव कर लेना आप यहाँ पे, ताकि इम्पैक्ट पता चले। जब आप स्टार्टिंग में लाइटिंग कर रहे हो तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि हाँ हमने जो लाइट लगाया उसका कुछ इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अभी देखो बहुत ये वाली लाइन बहुत ही डल होगी, ठीक है। अभी क्या था, ये लाइन दिख रही थी अच्छा लग रहा था, अभी वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है। देखो यहाँ पे पहले भी देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे एकदम से नहीं वो करना है। यहाँ पे देखो दिस इज लुकिंग गुड, ये ठीक आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, फिल का यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइक सपोज देखो यहाँ पर मैं एक्सपोजर भी था, एक्सपोजर को भी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 10 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर वो चीज़ थोड़ा बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इम्पैक्ट कम ज़्यादा आपका यहाँ पर आना चाहिए। अभी देखो बेटर हुआ, एक तरफ से मेजर लाइट आनी चाहिए जहाँ से पता चले कि लाइट का सोर्स किधर से है, दूसरे तरफ से लाइट का आपका यहाँ पे फिल इम्पैक्ट आना चाहिए, तो इम्पैक्ट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, एक हम लोगों को लाइटिंग करना है यहाँ पे इसका इसी पार्ट को, जैसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे की को, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, पैनल लुक टू सेलेक्टेड और ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन, ऑल्ट और लेफ्ट राइट क्लिक से मैं यहाँ पे इधर उधर जा रहा हूँ, लेफ्ट से इधर मैं मैनेज करता हूँ, मैं दोनों मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसको इधर से उधर मूव कर रहा हूँ, और राइट से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे। अभी ये जो लाइट मैंने लिया, इस लाइट का मुझे यहाँ पे कलर भी चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइट को मैंने क्या किया, समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, रेड इज ग्रीन ब्लू कोई भी मैं कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रेड पहले से तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल मैंने यहाँ पे चेंज किया और मैंने यहाँ पे परस्पेक्टिव में किया, लाइक थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए। यहाँ पे जो मैंने लास्ट लाइट लगाई दैट इज कॉल्ड रिम। अभी देखो लाइट दिख रहा है, लाइट पीछे वाले पार्ट में दिख रहा है हमें, तो ये पार्ट हमें चाहिए कि हम लोग अगर चीज़ को दिखाएं तो थोड़ा सा हमारे उसको डिफरेंट कलर, ताकि पता चले कि हाँ भाई पीछे से भी कोई लाइट आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हो, ये हमारा रिम लाइट है। रिम लाइट को मैंने यहाँ पे क्या किया, नाम दे दिया यहाँ पे, की है, फिल है, इसको मैंने क्या कर दिया रिम, ठीक है। आप इसको लाइक कलर देना चाहो, मैं यूजली ब्लू और सियान ही देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे नेगेटिव दिखाना है तो मैं रेड पे भी जाऊंगा, ठीक है। तो कलर थोड़ी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना है। तो एक बेसिक सा आपको फंडा पता चल गया कि चलो मैं यहाँ पे जो भी कोई काम करूँ तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-point लाइटिंग करनी होगी, ठीक है। तो आप जो भी कोई काम करोगे उसे आप इस वे में दिखा सकते हो। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक मैंने बेसिक लाइट सेटअप बता दिया। इसके बाद अभी ये लाइट सेटअप बताया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे सबका एक पार्ट है, इन पार्ट को समझो यहाँ पे। जैसे मैं देखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी देखो हम लोगों ने इसमें नेमिंग किया कि नहीं किया, देखो मेरे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे चीज़ें कैसी है, अलग अलग टाइप की चीज़ें मेरे यहाँ पे विजुअल है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, ये मेरे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अभी देखो इसका शॉर्ट 14 है, ये भी कौन सा है, शॉर्ट 3 है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी इन सबों के मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन सबों पर मुझे एक मटेरियल यूज़ करना है, मैं अलग मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मटेरियल क्या यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको जस्ट बताता हूँ कैसे यूज़ करने वाले हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मॉडलिंग के बाद शेडिंग में थोड़ा सा कलर थीम देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे देखो मेटल है, मेटल में यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कलर थीम समझ रहे हो, कलर थीम में क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे सिंपल था, पार्ट मैंने बहुत सी कॉपी करके रखा है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को ना मैनेज करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक मैं सिंपल सा पार्ट राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में AI स्टेनलेस सरफेस, ठीक है। यहाँ पे गए आप, यहाँ पे मेटल मेटल आप 1 कर दो, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे काम करना है। प्रीसेट्स पे गए, प्रीसेट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉपर करना है या सिंपल सा, मेरे पास कई चीज़ मेरे पास बाई डिफॉल्ट है, मैं अभी इनको यूज़ कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इनके अंदर मुझे कलर जो देना है वो कलर मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे कलर कैसा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऐसा कुछ है जो ब्लूज ग्रीन जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर पे गए यहाँ पे, ठीक है, ब्लू कलर पे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को मैं ऐसा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कलर स्पेक्युलर कलर यही है, लेकिन इसका लाइट वर्जन, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप इसका लाइट और ये चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करो यहाँ पे कैसा आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करें यहाँ पे। अभी देखो हमने मटेरियल चेंज किया, मटेरियल भी देखना है कुछ अलग। अभी ये मटेरियल यूज़ किया, मेरे पास ब्लू पीछे से आ भी रहा है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा।
उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जो मैंने अभी स्पेक्युलर का जो दिया है मैंने यहाँ पे, वो चीज़ को मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रफनेस, रफनेस को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी क्रॉस चेक, यहाँ ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सेव किया, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कि टेक्सचर वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकते, यहाँ पे जो टेक्सचर वाला पार्ट दिखा है पे, लाइटिंग हमने पहले कर ली, पहले लाइटिंग कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वह पार्ट हमें दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने चीज़ को बैलेंस किया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि थोड़ा सा कलर वाइज चीज़ को मैनेज करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो सिंपल सा पार्ट है, मैं अगर जैसे मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया, अभी यहाँ पर मैं काम क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं जैसे मैंने कलर लिया, यहाँ पर मैं कलर पिक भी कर सकता हूँ, क्रॉस चेक करो, जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया यहाँ पे, अभी मैं पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ जाना है, अभी मुझे यहाँ पे कलर एग्जैक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके आसपास चीज़ों पर पिक कर सकता हूँ, पिक कैसे, ये पिक कर लिया मैंने यहाँ पे, साइनिंग इसी को मैंने यहाँ पे लिया, इस पर साइनिंग वाला पार्ट यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करो, अभी कैसा आ रहा है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को वहाँ से पिक करके दिखा सकते हो। मैंने हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को पिक किया कि मेरे पास चीज़ें कैसी दिख रही हैं, ठीक है, ये पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने, अभी यहाँ पे देखो जो आपका कलर जो थीम होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पे दिस वन इन सबों को मैं एक साथ मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कि भाई कोई पार्ट छूटे नहीं, बाद में पता चला रैंडम में कोई एक पार्ट छूट रहा था, मैं फिर से मैं काम करना पड़ा, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे क्या किया, वे इज अवर रेफरेंस, जो कलर थीम देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा का पूरा एक ही मेटल है, मेक श्योर पहले समझो, ये पूरा पार्ट एक ही है, ये एक ही मेटल, ये भी एक मेटल है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे देखा, ये पार्ट एक ही मेटल है, तो यहाँ पे मैं इसको भी मैं यहाँ पे, ठीक है, इनको आप अलग अलग ग्रुप पे भी काम कर सकते हो, एक ग्रुप में भी बना के काम कर सकते हैं यहाँ पे, जो चीज़ मेरे को जहाँ पे दिख रहा है, मेरे पास कैमरे एंगल में जो चीज़ दिख रहा है मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, फिर भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखा यहाँ पे, ओके, तो ऐसा करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे विजुअल ही छूट गया यहाँ पे, तो मेक श्योर ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, ये ऊपर वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे रह गया, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सब सारे पार्ट को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मेटल पे ही जाने वाला हूँ, तो राइट क्लिक एंड असाइन में थोड़ा सा आपको एक और न्यू मटेरियल बताना है, ठीक है। आर्नोल में गए, यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेटल में, यहाँ पे देखो मेटल में यहाँ पे थोड़ा सा साइनिंग वाला है, यहाँ पे मैं कार पेंट मेटलिक रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं बस कलर थीम देखो, यहाँ पे क्या लाइट, यहाँ पे है डार्क, पहले क्रॉस चेक करो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है, चाहो तो आप इस पर भी आप देख के क्रॉस चेक करके छोड़ सकते हैं, इम्पैक्ट आपको बढ़िया मिलेगा, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है, ये लुक एंड फील दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर भी हमारा काम हो सकता है अगर मैं काम करना चाहूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो कलर को चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, समझो इसको और इसको दोनों को समझो, यहाँ पे सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको क्या मिलेगा कि मटेरियल के साथ आपको कलर भी समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, यही सेम पार्ट मुझे यहाँ पे जो लेना था, ठीक है। अभी इसके अंदर मेरे पास मेजर कलर क्या दिख रहा है, मेजर कलर आपका यहाँ पे ब्लू ये दिख रहा है, ठीक है। स्पेक्युलर वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, स्पेक्युलर में ये है एंड ब्लू में, स्पेक्युलर को मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको मैंने लिया, ठीक है। और अभी एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट क्रॉस चेक करके देखे यहाँ पे, अरे तो आपको पता चला कि हमारे पास मेजर पार्ट किसका था, स्पेक्युलर का, स्पेक्युलर वाला पार्ट पर हमने थोड़ा सा फोकस किया, तो चीज़ मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है अभी, ओके। ये पार्ट आपको दिख रहा है भाई, कैसे आप क्या काम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ को डील किया, ये पार्ट मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्लू का और रोल देखो यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा ब्लू का रोल देखें तो कुछ कुछ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइनिंग पे टोटल डिपेंडेंट है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, डार्क में लेके देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेव करना एंड क्रॉस चेक करना, यहाँ पे लगे तो आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तो आइडिया मिल जाएगा, चलो हम लोगों ने ऐसे कुछ काम किया। अभी देखो ये मेटलिक लुक बहुत अच्छा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने नीचे में मैंने यहाँ पे जो लिया वो मेटलिक लुक में, इसमें साइनिंग थोड़ा कम है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे
ये लुक एंड फील अच्छा दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर हमने कुछ पैरामीटर साथ भी प्ले किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखो ये जो रफनेस यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ ना, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को क्या कर देता है यहाँ पे, और ब्लेंड कर देता है, बहुत सा रफ सरफेस की तरफ ले जाता है वो। हमें साइनिंग देखो, साइनिंग यहाँ पे बहुत बेटर देखे हमें, ठीक है। दूसरी चीज हमें ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट पे साइनिंग बहुत अच्छा आ रहा है और नहीं आ रहा। लाइट का इम्पैक्ट देखो, लाइट अभी हमने यहाँ पे पहले किया, जब हमने लाइटिंग की तो उस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट में ऐसे कोई साइनिंग वाला मटेरियल नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, अभी वो साइनिंग वाला मटेरियल मेरे को यहाँ पे अलग से दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे वी भी मैंने मटेरियल लिया, ठीक है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये मैंने किया। देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पे छूटा होने जा रहा है, यहाँ दिख रहा है, एक इस पे छूटा होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे दिस वन, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे दिख रहा है असाइन, यहाँ पे मेटल टू दिख रहा है, मेटल टू ये मैंने कर दिया, तो वहाँ पे वो अपने आप लग जाएगा। दूसरी चीज़ अभी हम लोग लगता है इसमें मेरा काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं चीज़ों को और मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पार्ट मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक क्रॉस चेक किया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कभी भी ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ नहीं करते हम लोग यहाँ पे, कोशिश करेंगे। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक एनवायरमेंट भी मिलता है, एनवायरमेंट हल्का सा ग्रे करके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ें नहीं वर्क करेगी। तो कैमरे में चलें एक बार, यहाँ पे इसी बार कैमरा ही है हमारे पास, कैमरे में एनवायरमेंट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा। मैंने इसको भी मैंने ऑफ़ किया पे। इसके लिए एक काम और भी करता है, मैंने यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए, एक मैंने जो मैंने लाइट लिया था यहाँ पे स्काई लाइट, ठीक है, स्काई डोम लाइट है, स्काई डोम लाइट मैंने लगाया। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी एक ओवरऑल फ्लैट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या है क्रॉस चेक करो यहाँ पे, अभी आपका लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, समझो ये वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का एनवायरमेंट में ऐसा कुछ आ गया। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ HDR है, ठीक है। HDR मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कंट्रोल ए, यहाँ देखो ये स्काई डोम आ जाएगा यहाँ पे, कलर में जाके ये तो आप इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या 0.2 कर दिया, तो कम करके देखो भाई कुछ बेटर हुआ कि नहीं, क्रॉस चेक करना यहाँ पे। तो आपको चीज़ों को कम ज़्यादा करना आना चाहिए। अभी मेरे पास ग्रे बैकग्राउंड मुझे चाहिए, मेरे पास ग्रे बैकग्राउंड आ गया, तो मैं ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ कि भाई मैंने एक मेटल का मैंने यहाँ पर लुक एंड फील दिया, टेक्सचर पे मैंने काम किया, ठीक है, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, लाइट के इम्पैक्ट आने के बाद ये लुक एंड फील कैसे जा रहा है, यहाँ पर ये मैंने मॉडल यहाँ पर रखा ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके ग्रुप कर रखा है यहाँ पे, देखो सेलेक्ट दिस वन एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा टर्न एंड ट्विस्ट भी दूंगा ताकि वो इम्पैक्ट नजर आएगा यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ इतने पर ही रेंडर करना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया, यहाँ पर रीजन रेंडर भी आता है, अभी तो इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे दिखाना है तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे किया, चलो मेरे पास ये मटेरियल है, मैं अभी इस पर मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक मटेरियल एंड एट्रीब्यूट, इसको भी मैं प्रीसेट्स पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक व्हाट आई वांट, मैं यहाँ पे कॉपर देखा है हम लोगों ने, यहाँ पे गोल्ड में एक बार देखते हैं, गोल्ड में रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे, गोल्ड भी क्या करता है, गोल्ड का लुक एंड फील कब आता है, देखो इसमें अच्छा आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। बात समझना पड़ेगा कि हम लोग जो भी कोई काम करते हैं उसके पीछे एक रीज़न क्या है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करने वाले हैं, उसको मैनेज करने के बाद वो लुक एंड फील कैसे देने वाला है। दूसरी चीज़ इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है क्या, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट या कंट्रोल ए प्रेस करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कलर पे यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या HDR इमेज लिया है, HDR इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ एक HDR इमेज हैं, जैसे देखो अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग, जैसे ये मैंने ब्लड वाला यूज़ कर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं जो इमेज है सेव कर लो आप यहाँ पे, इसका आप रेंडर करके देखो यहाँ पे, तो अभी आपको रेंडर में काफ़ी डिफरेंसेस दिखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे लाइट का इम्पैक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ें भी दिख रही है यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम करना है। दूसरी चीज़ अगर मुझे लगे कि मुझे थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करना है, जैसे इधर लाइट ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इधर की लाइट कौन सी है, की है, मैं इसे कम कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसे मैनेज भी कर सकता हूँ। पर मैंने कितना किया इसको, ये इंटेंसिटी को मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी को मैं लेके चलता हूँ, मैंने कर दिया 8 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करो यहाँ पे, मुझे अगर मैनेज करना है तो ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कभी चीज़ों को कम ज़्यादा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप यहाँ पे करो तो नहीं, मैंने एक बार कर दिया तो मेरा फाइनल हो गया, ओके।
तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। तो देखो इन्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो मैंने स्काई डोम लगाया यहाँ पे, इसका इंटेंसिटी मैंने कम कर रखा, मैंने कहा 0.5 कर दिया यहाँ पे, ये इंटेंसिटी और बढ़ेगी यहाँ पे। ओवरऑल इम्पैक्ट हर एच डी में कुछ अलग दिखने वाला है, आप देखोगे ना हर एच डी में कुछ अलग दिखेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे मुझे चीज़ दिखने यहाँ पे, तो ये चीज़ में बैलेंस करना पड़ेगा, लाइटिंग के अंदर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ये डब्ल्यू, ये देखो ठीक है, हल्का सा मैंने ऐसा ट्विस्ट करके देखता हूँ कि मैं, मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट में बस गोल्ड का इम्पैक्ट भी अच्छा है, प्लस मैं गोल्ड के साथ देखा यहाँ पे, देखा यहाँ पे चेंज हुआ यहाँ पे, कोई चीज़ बाहर है और रिफ्लेक्टेड भी है, लाइट लाइट भी रिफ्लेक्टेड होता है क्या, तो लाइट भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मटेरियल पे, तो वहाँ पे चीज़ कैसे दिख रही है। देखो हल्का सा मैंने बैलेंस किया यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं, देखो ये थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर दिखे, बहुत अच्छा। तो ये आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट देखो यहाँ पे, अभी ये दिख रहा है अभी बेटर हुआ है। ये हमारे पास बाई डिफॉल्ट जो मटेरियल है उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज़ और भी काम करता हूँ, गोल्ड यहाँ पे किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, इसको यहाँ पे क्या करते हैं रफनेस को थोड़ा सा प्ले करते हैं, ये प्ले करोगे तो इम्पैक्ट आपका और थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो अभी क्या हम लोगों ने एक लाइटिंग देख लिया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन देख लिया यहाँ पे, अभी जो मेरे पास बहुत हाईलाइटेड हुआ था वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एच डी आई के साथ, पीछे रिम लाइट के साथ मैंने कैसे मैनेज किया यहाँ पे, लुक एंड फील कैसे दिख रहा है यहाँ पे, वो बेसिक एक पार्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिक पार्ट में यहाँ पे कैसे चीज़ को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा शाइनिंग कम कर दूंगा तो फ्लैट में आ जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो अल्फ़ा यूज़ किया था, अल्फ़ा याद है आप लोग, अगर इस अल्फ़ा को अगर आप यहाँ पे इसमें डाल दोगे ना तो वो भी चीज़ आपको अलग अलग दिखेगा। चलो एक छोटा सा टिप्स और बता देता हूँ यहाँ पे, ये रेंडर आ गया। चलो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसे स्पेक्युलर पे देख रहे हैं ये कलर पे जाके मैंने एक मैप कॉल करता हूँ यहाँ पे, देखो कलर पे यहाँ पे एक मैप कॉल करके दिखाता हूँ, आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे आपके यहाँ पे, कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे, देखो अल्फा है मेरे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं अगर ऐसा कुछ यूज़ करने वाला हूँ अलग अलग देख रहे हैं यहाँ पे, मैप्स आपके कौन से आप चीज़ों को यूज़ करके आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट है मैं बस यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ किया, सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ट्राई किया यहाँ पे, ट्राई करने पे क्या आ रहा है ये आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। जैसे सपोज मैंने इतने पे ट्राई किया तो इतने पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो रीजन एंटर करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है, किस टाइप से इम्पैक्ट और किस टाइप से वो साइनिंग के उस पर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ हम लोग यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, तो प्ले करने वाली चीज़ है ये, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ को मैनेज करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट अंडो 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 यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यही काम मैंने राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट रफनेस में जाकर मैं करता हूँ, देखो रफनेस में गए, फाइल पे गए और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मेटल का है, मेटल से बाहर निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, कॉन्क्रीट में मुझे कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप के मुझे चाहिए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टाइप की चीज़ को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। चलो एक बार क्रॉस चेक कर ले एक बार यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए, जैसे ये इस टाइप का पार्ट है, ठीक है, 39 नंबर काम करेगा, तो 39 नंबर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेटल पे गए एंड यहाँ पे पीएनजी में यहाँ पे 39 नंबर, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके देखो क्या इम्पैक्ट आता है और कैसा आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करने में और बेटर वर्क देगा यहाँ पे, कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, रफनेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कैसे आप मैप के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। तो बस उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा प्ले करने में और आरएनडी करने में टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, एक बार एक आईडिया दिया मैंने आपको, चलो ऐसा कुछ काम करने दो, क्या मेटलिक लुक एंड फील चला जाएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यही काम अगर मैंने यहाँ पे सिंपल वाट यही प्रोसेस को मैं यहाँ पे इसी में जाके मैंने कहा मेटलिक किया, देखो इसका इम्पैक्ट ही अलग आता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास रेफरेंस था, ठीक है, ये जो मेरे पास नीचे वाले पार्ट में था, ठीक है, मेटल को समझना पड़ेगा और इसके साथ मुझे डील भी करना पड़ेगा राइट क्लिक एंड मेटल एट्रीब्यूट, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है चीज़ को मैनेज करना है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सवाल मैंने रिफ्लेक्शन का कलर लिया पे और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आपके पास एक सिंपल सवाल रेडी हो जाएगा।
तो आपको थोड़ा सा मटेरियल साथ प्ले करना है, कैसे क्या काम करते हो, एक सीन इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ के साथ थोड़ा सा लुक एंड फील दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, कलर वाइज आपके पास यहाँ पे चीज़ें, मैंने यहाँ पे कलर मैंने पिक किया, भाई मुझे ऐसा कुछ कलर पिक करना है, मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि भाई यहाँ पर मुझे कोई काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट ये कलर वाइज मैं यहाँ पे ठीक है इसी का मैं कलर तो और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कलर पिक किया मैंने यहाँ पे, और पिक कर दे कलर ऐसे कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वो इम्पैक्ट आपको देगा तो सा इसके साथ में मैनेज करके दिखा देगा कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो। जब हमें लगे कि हम लोग एक लेवल पर आ चुके हैं, कि हमें लगे कि हाँ हम लोग जो चाहते हैं उसके आसपास से मेरे पास चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाएगी, मैं जो शॉट बनाया है शॉट मेरे पास लुक एंड फील दे रहा है, किस टाइप से पार्ट देखो, मेरा मटेरियल जब डार्क होता है तो कैसा आता है, लाइट होता है तो कैसा आता है, सरफेस के अंदर सेगमेंट होगा तो भी इम्पैक्ट अच्छा आएगा, नहीं होगा तो भी आपके इम्पैक्ट में आपको वहाँ पे दिक्कत आने वाली है, तो थोड़ा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे किस टाइप से चीज़ को मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, मुझे यहाँ पे लाइक थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसमें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि नहीं मुझे वो कलर आया लेकिन वो थोड़ा सा मैनेज नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा येलो कलर को मैंने पिक किया अभी। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास इस जो मॉडल है इस मॉडल के अंदर सेगमेंट्स है, लेकिन क्या उसका लुक एंड फील एक फ्लैट की तरह है, तो एक बेसिक से आइकन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मैं अगर यहाँ पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या एग्जैक्ट कलर भी यूज़ नहीं करना आपको, ये ध्यान देना, कभी भी एग्जैक्ट प्योर कलर आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ पर मैं यूज़ करके देखता हूँ काइंड ऑफ ऐसे करके मैं थोड़ा यूज़ करके देखता हूँ, तो मेरे पास क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो देखने में ठीक लगे यहाँ पर, तो जस्ट प्ले विद योर आपको तो था अभी बैलेंस लग रहा है, पहले येलो में एकदम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा मैनेज करना है, जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक चीज़ें आएंगी नहीं। और जब आपको लगे कि आप अपने एक लेवल पे पहुँच रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है, रेंडर सेटिंग में जाओ, यहाँ पे एक सेटिंग है क्या, तो सेटिंग को थोड़ा सा समझना, सेटिंग में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आर्नोल्ड में गए, यहाँ पे जो आपको बाय डिफॉल्ट जो दिखेगा 3 आपको करीबन 5 एंड 5 एंड 5 करके यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे रेंडर करना है। ठीक है, देखना यहाँ पे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी देगा क्यों। ठीक है, ये आउटपुट है।